देश में लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के विरासत टैक्स को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस का हिडन एजेंडा सामने आया है। कांग्रेस लोगों की संपत्ति हड़प कर मुसलमानों को देना चाहती है। अब देश की जनता कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाली है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने ये भी कहा कि कांग्रेस इस चुनाव में बुरी तरह हारने जा रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन के दल एकजुट हो रहे हैं। इसका लाभ कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है। जनता कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार होगी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र और कांग्रेस और विपक्षी दलों की नजर लोगों की संपत्ति पर है। लोगों की संपत्ति को हड़पने का, आम लोगों के अधिकारों को छीनने का और ये मुस्लिम लीग के एजेंडे को लागू करने वाला कांग्रेस पार्टी का ये घोषणा पत्र है। आज देश की जनता कांग्रेस के हिडन एजेंडे को देख रही है। कांग्रेस अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है और अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार ये नारा सफल होता हुआ दिख रहा है और चार